हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 8th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास, आपका बेटा एक्सरसाइज चल रहा है लेसन 3 का, जो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। उसके अंदर आपके 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, अब आपका 13 क्वेश्चन चलेगा। 13 क्वेश्चन आपका जो आपका मैचिंग पर है, तो क्या है एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए एक बार। मैच द टर्म्स of column A correctly with the phrases given in column कॉलम बी, देन ए पार्ट आपका और फिर बी पार्ट। ए पार्ट के अंदर आप क्या लिखेंगे देखिए, पहला है फर्स्ट आपका पॉलिस्टर, देन द सेकंड मैटर ए पॉइंट आपका फर्स्ट पॉलिस्टर, सेकेंड है आपका टेफ्लॉन, थर्ड है आपका बियॉन, फोर्थ है आपका नायलॉन। इधर आपका बी पार्ट के अंदर है फर्स्ट पार्ट ए प्रिपेयर बाय यूजिंग वुड पल्प, एंड बी पार्ट यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स and stockings. C है used to make non then के अंदर कर सकते हैं। ये आपका है मेन मैटर है, इसमें चैप्टर यानी यूज्ड फॉर में आपका मेन। नेक्स्ट आपका क्या है ये एक बार देखिए। इसमें आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आपका है मैचिंग करानी है इसमें, देन मैचिंग आप करा सकते हैं पॉइंट के अंदर। तो क्या आप कराएंगे देखिए, आपका मैचिंग कॉलम के अंदर आपका जो पार्ट है वो चल रहा है नेक्स्ट, इसके अंदर आपका 3 पॉइंट तो हो गए थे, चौथा पॉइंट आपको करना था। तो एक बार देखें, जैसे यूज्ड टू मेक
नॉन स्टिक फुटवेयर्स एंड डी ऑप्शन है आपका फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल ईजली तो आप इसकी मैचिंग कैसे करेंगे? पॉलिस्टर की मैचिंग होगी फैब्रिक डू नॉट रिंकल ईजली, टेफ्लॉन की होगी यूज टू मेक नॉन स्टिक फुटवेयर, एंड रेयन की होगी प्रिपेयर बाई यूजिंग वुड पल्प, एंड नायलॉन की होगी यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग। देन इस तरीके से आपने देखा कि आपका मैचिंग पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आपका है 14 क्वेश्चन क्या है बोले थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लें 14, तो एक बार मैचिंग का आप उतार लीजिए, क्या करना है किस तरीके से करना है एक बार देख लीजिए, जिससे आपका मिस्टेक नहीं हो, फिर 14 चैप्टर में चलें। आपका 13 क्वेश्चन था मैच द टर्म ऑफ कॉलम ए करेक्टली विद करेक्टली द फ्रेजेस गिवन इन कॉलम बी। देन ए पार्ट फर्स्ट आपका है टर्म्स पॉलिस्टर एंड द रिलेटेड टू विच फ्रेजेस, तो पॉलिस्टर इज मैचिंग टू फैब्रिक डू नॉट रिंकल ईजली, टेफ्लॉन ये मैचिंग करेगा यूज टू मेक नॉन स्टिक फुटवेयर, रेयन ये आपका मैच करेगा प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, नायलॉन ये आपका मैच करेगा यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग। देन क्वेश्चन नंबर 14, अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपका देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें है मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स is actually helping conservation of forest. कमेंट करना है इस पर भी। देन आंसर इज 14, आंसर 14 में आप क्या लिखेंगे वो एक बार देखें। आप लिखेंगे द नेचुरल फाइबर्स रिक्वायर रॉ मटेरियल्स from plants and animals. So they need to cutting trees and killing of animals. Synthetic fiber के लिए आप लिख सकते हैं synthetic fibers आप इसके अंदर लिख सकते हैं are made up of
circles and these chemicals are not available in forest. बस इसके बाद आप आगे लाइन लिख सकते हैं. सो द मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. आप इसके बाद इसमें ऐड कर सकते हैं. यानी आपका क्वेश्चन क्या था एक बार देखिए. मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. आपको ये कमेंट करना था कि सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली हेल्प करता है फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में. तो आपका जवाब क्या है, आप दे सकते हैं नहीं. द नेचुरल फाइबर्स रिक्वायर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स सो दे लीड टू कटिंग ट्रीज एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स. जो है आपका एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हाँ सिंथेटिक फाइबर में तो हाँ बोलेंगे पर नहीं बोलेंगे नेचुरल फाइबर में. क्योंकि नेचुरल फाइबर जो होता है वो रिक्वायर करता है आपका, यानी आपसे पूछा है कि सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हेल्पिंग इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. तो आपका जवाब होगा यस. एंड कमेंट करना है कैसे, तो द नेचुरल फाइबर्स रिक्वायर रॉ मटेरियल्स. नेचुरल फाइबर रिक्वायर करता है रॉ मटेरियल्स, प्लांट और एनिमल्स के रॉ मटेरियल्स को रिक्वायरमेंट करता है. सो दे लीड टू कटिंग ट्रीज एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स. या तो वो पेड़ों को काटो या जानवरों को मारो तब आपको नेचुरल फाइबर मिलेगा. बट सिंथेटिक फाइबर आर मेड अप ऑफ केमिकल्स. ये केवल केमिकल से क्रिएट होते हैं सिंथेटिक फाइबर. देन दीज केमिकल्स आर नॉट अवेलेबल इन फॉरेस्ट. ये आपका 14 भी कंप्लीट हुआ. हम आपका लास्ट क्वेश्चन है 15. तो एक बार देखें लास्ट क्वेश्चन 15 क्या है. आपको इसमें डिस्क्राइब करना है एक्टिविटी को. ये एक्टिविटी जो आपको डिस्क्राइब करनी है एक बार देखिए. 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. देन क्वेश्चन नंबर 15 डिस्क्राइब एंड एक्टिविटी to show that thermoplastic is a poor conductor of electricity. तो इसके अंदर क्या लिखेंगे एक बार देखिए. पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आप लिख सकते हैं. या आपको एक्टिविटी बतानी है तो आप इसमें क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक बार देखिए. डिस्क्राइब एन एक्टिविटी शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो इसमें ये है कि थर्मोप्लास्टिक एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. तो आप इसके अंदर जो है बता सकते हैं कि अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं एक बल्ब बैटरी से तो थर्मोप्लास्टिक पुअर कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इसमें करंट हम ईजिली प्रोवाइड नहीं कर सकते. तो ये ध्यान रखने वाली बात है. इसलिए आपका ये नहीं है. तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आपका जवाब क्या होगा. डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसका एक्सपेरिमेंट समझा के. एक्टिविटी आपके बुक में दी हुई है,
इससे रिलेटेड आप अपनी बुक से कंसल्ट करके ये एक्टिविटी, क्योंकि पूरी डिटेल लिखनी है जो आपकी एक्टिविटीज़ दी गई है पहले बुक के अंदर, आप उससे शो कर सकते हैं, नहीं तो आप वर्बली सुन लें, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है लिखना मेरे लिए। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि ये प्लास्ट आपको कह रहा है पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का थर्मोप्लास्टिक, तो आप इस तरह से बचा सकते हैं बिकॉज इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते देन थर्मोप्लास्टिक आपका जब प्रोवाइड नहीं हो रहा है उसमें सब कैसे आप करेंगे कि आप कोई प्लास्टिक का मटेरियल लेकर उसके अंदर करंट अगर आप प्रोवाइड करवाते हैं तो एक तो कुछ इजी वे में होना नहीं है, दूसरा जब कराते हैं और उससे बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो बल्ब जलता नहीं है, तो वो आपका ये शो करता है कि थर्मोप्लास्टिक इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ये आपका वहाँ से प्रूफ होगा, इसका आपका डिटेल है बुक में, इसकी एक्टिविटीज़ आपकी इससे रिलेटेड दी है, तो आप इसको कर लेना, वरना आपको इसको थोड़ा सा अपने आप से सेंटेंस बना के इसके अंदर डाल देना, क्योंकि बेटा बहुत सारी लाइंस लिखना इसके अंदर डिटेल क्वेश्चन है, तो एक बार आप अपनी बुक से कंसल्ट करके इसके अंदर सर्च करके लिखिएगा। मैंने आपको थीम बता दी आपको लिखना क्या है कि थर्मोप्लास्टिक कंटेनर के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होती, इसलिए वो पुअर कंडक्टर होता है, बिकॉज उसके अंदर अगर हम सर्किट ड्रॉ करके देखें तो बल्ब जो लगाएंगे हम कनेक्शन में वो बल्ब नहीं जलेगा। देन प्रूफ हो गया, देन इट इज़ प्रूफ द थर्मोप्लास्टिक इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो आज के लेक्चर में इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।